नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो F21S Pro 5G मोबाइल में टाइम को सही कैसे किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो, जब भी आप नया मोबाइल लोगे दोस्तों, आपका मोबाइल का टाइमिंग जो रहेगा वो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे का दिखाई देता है। तो इसको आप 12 घंटे में कैसे करोगे? तो दोस्तों, टाइम को सही करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिस्टम सेटिंग का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहां से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यहां पे आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाएगा 24 आवर्स फॉर्मेट, इसके सामने टिक आपके मोबाइल में डिसेबल रहेगी, तो आपको ये टिक आपके मोबाइल में इनेबल रहेगी दोस्तों। तो आपको करना क्या है, इस टिक को डिसेबल कर दें, बस दोस्तों आपका टाइमिंग रहेगा वो 12 घंटे में दिखाई देने लगेगा। अगर आपके यहाँ पे ये टिक इनेबल है यानी कि डिसेबल है, सेट टाइम ऑटोमेटिकली इसके सामने टिक भी इनेबल कर देना है, क्योंकि अगर ये टिक इनेबल कर दोगे तो आपके मोबाइल में कभी टाइमिंग सेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका टाइमिंग जो रहेगा वो सेट होता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप ओप्पो F21S Pro 5G मोबाइल में टाइम को सही कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों, वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।